नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल क्रिप्टो एंड मेटार्निंग पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। मैं आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूं। इसके अंदर प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इसमें पैसा इन्वेस्ट करते समय आपकी खुद की भी रिसर्च होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज अपडेट। पहली न्यूज है रशिया से। रशिया और यूक्रेन में पिछले कुछ दिन में तनाव काफ़ी बड़ा था। उसका असर बिटकॉइन पर देखने को मिला था। वॉर जैसी स्थिति उनके बीच में होने के कारण क्रिप्टो मार्केट पर उसका बहुत बुरा असर देखने को मिला था। बिटकॉइन की प्राइस 41,000 के आसपास चली गई थी, अब वो संभल कर 44,000 के आसपास देखने को मिल रही है। बिटकॉइन में यह उछाल रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव खत्म होने के कारण देखने को मिला। रशिया ने अपनी आर्मी यूक्रेन से वापस ले ली है। इस न्यूज़ के बाद क्रिप्टो मार्केट में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। अगली न्यूज़ है DBS बैंक के बारे में। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए वेस्ट एशिया का सबसे बड़ा बैंक DBS आगे आ रहा है। DBS बैंक के CEO ने बताया कि इस साल रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्रिप्टो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए योजना वह बना रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस साल के पहले 6 महीने में वह डिजिटल एसेट अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए फोकस कर रहे हैं। DBS बैंक संपत्ति के हिसाब से दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा बैंक है। आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी की अहमियत जानकर DBS बैंक अभी से क्रिप्टो ट्रेडिंग पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक समय था जब लोग पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े रहते थे, उसके बाद ATM पे लाइन करने लगे। आज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन चलते हैं। समय के अनुसार खुद को अपडेट करना इम्पोर्टेंट है, इसलिए DBS बैंक क्रिप्टो ट्रेडिंग में अपना कदम रखने जा रही है। अगली खबर है ब्लॉकचेन के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन क्रिप्टोकरेंसी और माइनिंग इवेंट होने जा रहा है मॉस्को में। इससे 21 अप्रैल को 8वां अंतर्राष्ट्रीय मंच ब्लॉकचेन लाइव मॉस्को में होने जा रहा है। फ्रॉम 5,000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स और 100 बूथों को एक साथ लाएगा। इसमें इन्वेस्टर्स, बिजनेसमैन, माइनिंग क्रिप्टोकरेंसी और ब्लॉकचेन डेवलपर्स होंगे। साथ ही में गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल होंगे। इस फोरम में प्रासंगिक उद्योग विषयों पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 2023 में क्रिप्टोकरेंसी में पैसे कैसे कमाई जाए, रशिया के क्रिप्टो रेगुलेशन, माइनिंग, NFT, ब्लॉकचेन और गवर्नमेंट, इन मुद्दों पर चर्चा होगी। अब बात करते हैं परफॉर्मर ऑफ द डे की। पिछले कुछ घंटों में XVS कॉइन में 30% का उछाल देखने को मिला। इस कॉइन की करंट प्राइस $13.7 के आसपास है। 24 घंटे पहले इस कॉइन की प्राइस $10.3 के आसपास थी। ये बढ़कर $14.1 के आसपास पहुंच चुकी थी। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन की करंट प्राइस $43,180 के आसपास है। बिटकॉइन में पिछले 24 घंटे में 2% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 24 घंटे में बिटकॉइन की हाई प्राइस $44,395 के आसपास थी और बिटकॉइन की लो प्राइस $42,950 के आसपास थी। अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम की करंट प्राइस $3,000 के आसपास है। पिछले 24 घंटे में इथेरियम में 2% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में इथेरियम की हाई प्राइस $3,188 के आसपास थी और इथेरियम की लो प्राइस $3,050 के आसपास थी। इसी के साथ समाप्त करते हैं आज की न्यूज़ अपडेट। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।